यूजीसी नेट परीक्षा के बाद अब एनटीए ने 25 जून से 27 जून के बीच होने वाले संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित करने का ऐलान किया है। इस बीच परीक्षाओं में हो रहे फर्जीवाड़ा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित करने पर बीजेपी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि यह तीसरी परीक्षा है जिसे एनटीए ने स्थगित किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस दावे का क्या हुआ? यूजीसी नेट परीक्षा के बाद अब एनटीए ने 25 जून से 27 जून के बीच होने वाले संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित करने का ऐलान किया है। इस बीच परीक्षाओं में हो रहे फर्जीवाड़ा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा को स्थगित करने पर बीजेपी सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक वीडियो जारी कर कहा कि यह तीसरी परीक्षा है जिसे एनटीए ने स्थगित किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि उन्होंने जिम्मेदारी ली है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस दावे का क्या हुआ?